अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे वॉशरूम काउंटर टॉप पे क्या है, चीज़ें पड़ी हुई और मैंने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द थिंग्स इन द वीडियो। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो ये जो मेरा काउंटर टॉप है प्लस द मिरर, ये जो है वो मैंने ग्रीन्स के नाम से फर्नीचर है उनसे बनवाया है एंड आई एम लविंग द क्वालिटी। तो ये काउंटर टॉप जो है वो यहाँ पर इसके दो ड्रॉअर्स भी हैं और ये इस तरह से नीचे से जो है वो ओपन स्पेस है। आप यहाँ पर और भी ड्रॉअर्स बनवा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिड वाली डस्टबिन है एंड देन वी हैव द स्टूल अगेन फ्रॉम ग्रेन्स फर्नीचर। आई विल बी श्योर टू लिंक देयर पेज और वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। फिर ये टॉवल रैक है, ये भी मुझे जो है वो ग्रेन्स फर्नीचर से ही मिला है और इट्स अ गुड टॉवल रैक। आई प्लेस सम टॉवल्स ओवर हियर। देन वी हैव द स्विच बोर्ड। सो ये जो है वो टूथब्रश चार्जर है, यहाँ पर जो है वो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रशेस को चार्ज करती हूँ। सो ये इस तरह से चार्जिंग पोर्ट है। देन वी हैव द हेयर ड्रायर, यहाँ पर मैंने जो है वो एक मैट प्लेस किया हुआ है सो द ड्रायर एंड द चार्जर डजन गेट वेट। देन हेयर इज द सोप। फिर ये मेरा टूथब्रश होल्डर है, यहाँ पर जो है वो टूथपेस्ट है। ओरल बी के ब्रशेज यूज़ करती हूँ मैं और सिंपल ब्रशेज भी हैं हमारे पास। तो इसको ये टूथब्रश होल्डर इज़ अ गुड ऑप्शन, बट इसको जो है वीक में धोना पड़ता है एक दो दफ़ा टू यू नो मेंटेन इट्स शेप एंड हाइजीन। देन कमिंग है ये पूरा हमारे पास 3 लेवल्स का जो है वो ऑर्गेनाइज़र है एंड इट्स वेरी हैंडी। यहाँ पर जो है वो एक पॉन्ड्स का फेशियल फॉर्म है। देन वी हैव माउथ वॉश फ्रॉम कोलगेट। देन यहाँ पर टिपिकल पाकिस्तानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट इज़ डिन टॉनिक विथ पाउडर एंड देन वी हैव हुसैन मंजन विथ पाउडर। यहाँ पर जो है वो मेरे पास बॉडी शॉप का परफ्यूम है विद सेंट ऑफ ऑल माइन स्पिरिट्स है। एक्चुअली दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस मिस्ट। देन वी हैव अनदर माउथ वॉश, ये जो है वो लिस्ट्रिन का है। देन आई हैव दिस दाढ़ी मूछ बियर्ड बाम, दिस इज़ फॉर माई हस्बैंड। आई जस्ट ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज एंड यहाँ पर जो है वो मेरा क्लीन एंड क्लियर का फ्रूट एसेंशियल्स फेशियल क्लिंजर इनर्जाइजिंग बेरी है एंड इट्स अ वेरी गुड फेशियल फेस वॉश। ये जो है ड्राई नहीं करता, मतलब क्लॉग नहीं करता आपके पोर्स और डेली के लिए इट्स वेरी जेंटल ऑन योर स्किन। कमिंग हेयर वी हैव अनदर पॉन्ड्स का प्योर वाइट फेस वॉश एंड वी हैव ड्यूडरेंट्स। यहाँ पर जो है एब एक्समैन का है और यहाँ पे एक और एक्समैन का है एंड देन इट्स माई ड्यूडरेंट एंड देन वी हैव दिस बॉडी स्प्रे ओवर हेयर। देन आई गॉट दिस बॉडी योगर्ट विच इज़ वेरी गुड इन समर्स क्योंकि इससे चिप चिप नहीं होता और ये बॉडी शॉप से लिया था मैंने। एक्चुअली मुझे सेट मिला था इस योगर्ट का और ब्रिटिश रोज की परफ्यूम और लोशन भी इसमें था, बॉडी शिमर टाइप लोशन था। तो इनके सेट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। कमिंग है वी हैव अनदर माउथ वॉश दैट माई हस्बैंड यूजेस। देन वी हैव दिस फेशियल क्रीम फॉर द ड्राई स्क्रीन ड्राई स्किन फेशियल क्रीम है हमारे पास दैट इज़ वेरी रिच। देन वी हैव परफ्यूम्स बैक में, वो डीजल परफ्यूम है। देन वी हैव दिस अनदर परफ्यूम एंड देन वी हैव अनदर ड्यूडरेंट। सो दिस वॉज योर लुक और वाट दिस ऑर्गेनाइजर लुक्स। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स के बीच में जो है वो थोड़े थोड़े होल्स भी हैं कि आप जो है वो चीज़ें निकाल के इस पूरे ऑर्गेनाइजर को वॉश भी कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी टू क्लीन अप एंड जंग लगने वाला जो आयरन रस्ट कर जाती है वो भी इशू नहीं होता है इस ऑर्गेनाइजर के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजर। सो डू चेक देम आउट। आई विल बी श्योर टू लिंक देम बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन ऑल्सो चेक
out there for teacher. Coming further, we have this wash basin over here. फिर यहाँ पर जो है मैं एक्स्ट्रा टावल्स रखती हूँ जस्ट टू क्लीन अप द काउंटर टॉप सो इट डजेंट गेट वेट एंड मेसी ऑल द टाइम. फिर यहाँ पर जो है वो मैंने अपने मेकअप रिमूवर्स रखे हुए हैं. दिस इज द गार्नियर सिंपली एसेंशियल्स सूदिंग 2-in-1 मेकअप रिमूवर रिमूव्स इवन वाटर प्रूफ मेकअप एंड आई कैन 100% रिकमेंड दिस प्रोडक्ट एज इट इज़ सो गुड फॉर रिमूविंग आई मेकअप स्पेशली क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप रिमूवर्स यूज़ किया है दे एंड अप लाइक इचिंग माई आईज और बहुत ऑयली होते हैं और ड्राई कर देते हैं आईज़ के एरिया को. तो दिस इज़ द मोस्ट जेंटल मेकअप रिमूवर दैट यू विल फाइंड इन द मार्केट एट सच रीजनेबल प्राइस. सो ये है, ये जो है एक और माइसेलर ऑयल इन्फ्यूज क्लेंजिंग वाटर है और ये जो है मैं बाकी फेस मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, नॉट फॉर द आईज एट ऑल बिकॉज ये बहुत बुरी तरह इच करता है. देन वी हैव हियर फेब्रीज का यू नो रिफ्रेशर है. देन दिस इज़ द रोज़ वाटर बॉटल बट आई हैव एडेड अ डिसइंफेक्टेंट इन इट. द इजी डिसइंफेक्टेंट इज दैट यू फिल इट विद वाटर एंड एड अ कैप फुल ऑफ डिटॉल लिक्विड इन इट एंड बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर नाउडेज एज कोरोना इज हियर. सो ये मैं डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ नॉब्स वगैरह और हैंडल्स वगैरह को. सो या यहाँ पर जो है वो होल्डर्स हैं मतलब कॉम्ब्स वगैरह ब्रशेस रखने के लिए. ये फिर ऑयल की बॉटल्स हैं और मस्टर्ड ऑयल है हमारे पास. देन वी हैव स्मॉल मिरर ओवर हियर एंड फिर यहाँ पर जो है वो मेरे पास क्लीन एंड सॉफ्ट कॉटन पैड हैं. ये मैंने मिनीसो से लिए थे. दे आर बेस्ट फॉर रिमूविंग मेकअप एंड दे आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन. फिर इसके बाद जो है वो ये ग्लेड का हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ है क्रिस्प बिकॉज आई एम नॉट इन टू मोर फ्रूटी एंड फ्लोरल सेंस. मुझे ये फ्रेश सेंस बहुत पसंद है क्रिस्प वाटर जैसी ट्रॉपिकल सी एंड यू नो बीच वाली. तो आई प्रेफर दैट यू शुड प्लेस वन ऑफ दीज इन योर वॉशरूम्स. So the washroom doesn't stink and it smells fresh. फिर यहाँ पर जो है वो मेरी basket है. यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं basket में. I tend to throw little things over here so the counter doesn't get messy. So we have a hair brush here. फिर ये जो है ये एक facial trimmer है. If you want to have a detailed review about this facial trimmer, do let me know in the comments down below. फिर यहाँ पर मैंने अपने कुछ lipsticks रखी हुई हैं. Again for Flermer, I'm a huge fan of Flermer lipsticks. They are softest lipsticks on your lips. If you want to my review on these, let me know as well. Then we have another lipstick, actually literally lipstick hai Flermer ki, and it's really good. They have different shades in it. Coming again to Flermer, ye mere paas eyeliner hai. Wow, this eyeliner is kitni fine tip hai. Goes smoothly on your eyes and works wonders. Then we have a dental floss over here. Flossing is very important. You should always add this in your hygiene and you will see the difference. Phir yahan pe mere paas kuch filers hain, buffer hai. Then we have Vaseline over here. Cocoa butter scent mein hai ye. फिर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रश रखा हुआ है. ये क्लीनिंग पर्पसेस के लिए ब्रश है दैट इज सेपरेट फ्रॉम ऑल द टूथ ब्रशेज इन दिस वॉशरूम. तो ये जो है वो जूली साफ़ करने के लिए मतलब एजेस साफ़ करने के लिए जहाँ पे इट्स डिफिकल्ट टू रीच. सो आई हैव दैट. आई हैव अ कैचर हेयर देन आई हैव अनदर लिप लाइनर ओवर हियर एंड यू नो अ नोट पैड एंड अ पेन जस्ट इन केस यू गेट आइडियाज एंड यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन. सो यू ऑलवेज हैव थिंग्स हैंडी. सो these are all the things that I have in my washroom. If you want any detail of any product that I just showed you in this video, don't forget to comment down below and I'll be sure to give you the review of any product and tell you the prices and my experience with any of the products. I hope you really like the video. Be sure to check out Greens Furniture in order to make your house fancy and modern at the same time, and I'm loving the experience with them. So that is all for today's video. I hope you like it. Don't forget to subscribe and share it with your friends and do like and comment. Take care.